चलिए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये क्वेश्चन जैम में आ चुका है 2007। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 4 8 1 4 8 2 10 12 और 0 4 12। ठीक है, इसकी रैंक बतानी है हमें। ये इधर थोड़ा मिस्टेक और की, इसलिए मैंने इधर दोबारा रीराइट किया। क्या है, 1 4 8 2 10 12 और नीचे है 0 4 12। ये हम इसमें दे रखे ऑप्शन 3 2 1 0। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से देखे होंगे या पढ़े होंगे तो फिर इजिली आपको आ जाना चाहिए था। इसमें सिर्फ ARD लगेगी, कैसे लगाएंगे वो सिंपल है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, जो मैट्रिक्स दे रखी है वो लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 0 4 10 4 8 22 12। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें क्या कुछ नहीं करना है हमें, इसे इसके ऊपर ARD लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम जैसे नीचे सबसे पहले 0 ARD का मतलब ये रहता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहो ताकि ये इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएं। ठीक है, तो ये डायगोनल इससे नीचे पहले 0 0, पहले से 0 है तो अब 2 को 0 करेंगे, तो मतलब कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। ठीक है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले ऊपर वाली एग्जैक्ट 1 4 8, नीचे वाले का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ से 0 बन जाएगा ये। ठीक है, और ये 2 R1 है, 4 2 8 इधर रखेंगे, 4 2 8 और 10 माइनस 8 2, और इधर 8 2 16 माइनस 16, 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नीचे पहले से 0 है और इधर 4 आएगा, इधर 12 आएगा। ठीक है, ये ERT से ये हो गया अपना। अब इसमें दे, और अब इस 4 को 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करना है। अब इसको 0 कैसे करेंगे, सिंपल है, क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा इसमें, वो क्या रहेगा अपना, इस पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, 0 नीचे वाले को करना है, इसको इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 0 हो जाएगा। क्या ऑपरेशन क्या रहेगा अपना, R2 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू सॉरी R2 नहीं चेंज कर रहे हम, R3 चेंजेस कर रहे हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R2। ठीक है, ये लगाने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो क्या आएगी, ऊपर वाला तो एग्जैक्ट है, कुछ हमने छेड़खानी नहीं की, नीचे अपना 0 है, 2 है और 6 है, और ये अपना कितना हो जाएगा, 0 2 2 4, ये R2 कितना हो गया 4, R3 कितना है 4, तो 0, ये 12 माइनस 12 0। ठीक है, ये अपनी मैट्रिक्स आ चुकी है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, अगर इसको सिंप्लीफाई करने चलेंगे, इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते। ठीक है, अगर इसे सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ARD से इससे ज़्यादा सोल्व होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, ये आ चुकी है। अब इसमें नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट निकालो, 1 2, ये तीसरा तो आया नहीं, टोटल मैक्सिमम पाइवट एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 3, लेकिन यहाँ पे 0 आ चुका है तो ये पाइवट एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट कितने हैं, 2। तो मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहेगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट, या फिर इसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो कितनी है अपनी, 2। तो रैंक कितनी हो गई, 2। तो आंसर क्या आ गया अपना, 2। तो देखिए, देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, रैंक रैंक निकालनी है एक मैट्रिक्स दे रखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ चुका है, बी। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले मैट्रिक्स है उसको हमने ERT लगाना स्टार्ट किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से निकाला कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उससे नीचे के एलिमेंट्स 0 हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जितने पाइवट एलिमेंट है, पाइवट एलिमेंट इनको बोलते हैं,
ठीक है, एक एक रो में एक एलिमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, एक तरह से सीढ़ी सी बन रही है अपनी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे इस साइड वाले सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है, लेफ्ट में, उसे हम बोलते हैं पिवट एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके दो एलिमेंट्स है तो इसकी रैंक कितनी होगी, टू। तो इजी था, कर सकते हैं आप। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।